वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा MCA 022 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये MCA BCA दोनों का सब्जेक्ट है। आज हमने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द रेफरेंस ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें चार चीज़ें आपसे पूछी गई है, NTFS, FAT16, FAT32 एंड फाइल रेप्लीकेशन सिस्टम। ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। सो लेट्स स्टार्ट विद NTFS। सो NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। कभी कभी इसको NT फाइल सिस्टम भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड कॉम्पैटिबिलिटी। चार जो पार्ट्स दिए हैं उस हिसाब से आपका 2.5 मार्क्स का एक पार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस, ये इनफ होगा 2.5 नंबर के लिए। सो एडवांटेजेस में है, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट एडवांटेज है इसकी, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द यूज़र बाय प्रोवाइडिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूज़र को। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारी, इट यूटिलाइज द स्पेस ऑफ डिस्क। डिस्क की स्पेस को यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट इट रिकवर्स फाइल सिस्टम एंड सपोर्ट लॉन्ग फाइल नेम। लॉन्ग फाइल को ये सपोर्ट करता है और फाइल सिस्टम को रिकवर करने के लिए भी हेल्प करता है ये। सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो इसकी जो डिसएडवांटेज है वो है, इट डजंट सपोर्ट रिमूवेबल डिवाइस लाइक स्मार्टफोन। ये रिमूवेबल डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करता है NTFS। सो ये इनफ है आपका 2.5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट हमारा FAT16। सो FAT स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। फैट इज अ फाइल विच इज डेवलप्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। जो फैट फाइल है आपकी, जो फैट है वो डेवलप किया गया था पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। FAT16 वॉज नोन एज FAT फैट। FAT16 को पहले फैट के नाम से जानते थे। सबसे पहले जो उसका नाम था फैट था, उसके बाद इसको FAT16 नाम दिया गया है। फैट यूजेस मेनली 16-bit डिस्क एड्रेस एंड इट इज़ नो लॉन्गर देन 2 GB। मेनली फैट 16 GB डिस्क एड्रेस पे काम करता है, पर अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो सिर्फ 2 GB तक ही ये एक्सटेंड कर सकता है। उसके एडवांटेजेस देखते हैं हम, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्क स्पेस। ये डिस्क स्पेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है FAT16। नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेज है वो है, इट सपोर्ट्स पर्सनल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। NTFS में हमने देखा था कि वो पर्सनल जो कंप्यूटर्स है उनको सपोर्ट नहीं करता था और ना ही रिमूवेबल डिवाइसेस को। सो थर्ड एडवांटेजेस इज, अलाउज इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन डेस्परेट सिस्टम। ये डेस्परेट सिस्टम के बीच डेटा को इंटरचेंज करता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस है वो देखिए, फैट साइज मे बी ह्यूज।
इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैट एंट्रीज. फैट का जो साइज़ है वो बड़ा भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा आपकी कि फैट में एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हैं उसके ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है. सो ये हमेशा आपको डिसएडवांटेज नहीं रहती, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एंट्रीज पे. नेक्स्ट डिसएडवांटेज है आपकी, ईच डिस्क ब्लॉक नीड्स अ फैट एंट्री. हर एक डिस्क को अपनी अलग फैट एंट्री चाहिए होती है इसमें, ये इसकी डिसएडवांटेज है. स्पेस ज़्यादा लेता है वो. आता है फैट 32. फैट 32 यूजेस 32 बिट डिस्क एड्रेस. इट इज़ नॉट लॉन्गर देन 2 TB. 32 बिट डिस्क एड्रेस को ये सपोर्ट करता है और 2 TB से ज़्यादा नहीं होता. इट इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ फैट 16. फैट 16 का अपग्रेडेड वर्जन है. एडवांटेजेस देखते हैं. इट प्रोवाइड्स कंपेबिलिटी एंड डिफरेंट ओएस विद डिफरेंट ओएस सॉरी. नेक्स्ट इज इट अलाउज अस टू मच लार्ज फाइल रीचिंग अप टू 4 GB. नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं. फैट 32 स्पीड इज़ स्लोअर यूजुअली. फैट 32 की स्पीड स्लो होती है. इट डजंट गिव एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन. ये सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं देता है आपको. नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ फाइल रेप्लिकेशन सिस्टम. सो फाइल रेप्लिकेशन सिस्टम इज़ यूज टू कॉपी एंड कंपेयर फाइल्स ऑन मल्टीपल सर्वर साइमल्टेनियसली. ये कॉपी करता है एंड पेस्ट करके उसको कंपेयर करता है मल्टीपल सर्वर्स पे, जिससे कि होता है इट इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी एवेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस. जो फाइल रेप्लिकेशन सिस्टम है वो कॉपी करता है, पेस्ट करके फाइल्स को कंपेयर करता है मल्टीपल सर्वर्स पर, जिससे कि रिलायबिलिटी एवेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस आपका इम्प्रूव होता है. नेक्स्ट एडवांटेजेस देखते हैं इसकी. सो देयर आर 3 काइंड ऑफ एडवांटेजेस विच आई राइट हियर. फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है. रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक. नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करता है. रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव्स. रिस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज. सो द मेन डिसएडवांटेज इज मेन प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इसमें मेन प्रॉब्लम रहती है फाइल रेप्लिकेशन सिस्टम में. आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा. ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है. होपफुली आपके लिए यूजेबल होगा. प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर